हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की सब्जी, जो कि सभी को पसंद आती है और सभी इसको खाना भी पसंद करते हैं। तो चलो हम इसको बनाना शुरू करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, जिन्हें काट लिया है, और आधा कप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हो। वो 3 मीडियम साइज़ के पोटैटो है, जिन्हें मैंने पहले से उबाल कर रख लिया था, और 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, जिसे काट कर रख लिया है। मसालों में यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, और 1 चम्मच नमक है। नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और आधी चम्मच हल्दी ले रही हूँ, और आधी चम्मच राई ले रही हूँ, और आधा चम्मच धनिया कूटा हुआ है सूखा, और 2 चम्मच फ्रेश धनिया लिया है। तीन तीन पत्ती में हरी करी पत्ती लिया है, 3 हरी मिर्ची लिए जिसे काट कर रख लिया है, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 लौंगे, और 1 तेज पत्ता है। गैस को ऑन कर लिया है और मैंने पेन में तेल को डाल दिया है, और हमारे तेल हो चुका है। तो मैं इसमें 1 तेज पत्ता, लौंग, और मिर्ची और करी पत्ता भी डाल देती हूँ। इसके साथ साथ मैं ये कूटा हुआ धनिया, जीरा और राई को भी डाल देती हूँ साथ में। ये अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें इन्हें। हम अच्छे से इसे हिला लेंगे। ये हमारे देखो मसाले अच्छे से चटकने लग गए हैं। अब इसमें मैं अपना प्याज ऐड कर लेती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी डाल देती हूँ, ताकि ये भी हमारे प्याज में अच्छे से भून जाए। इन्हें अच्छे से हम मिला लेंगे। ये हमारे प्याज अब भून चुके हैं। तो इसके इसमें मैं अब हल्दी पाउडर, मिर्ची और धनिया पाउडर तीनों को ऐड कर लेती हूँ साथ साथ, ताकि हमारी मिर्ची अच्छे से भून जाए और हमारा धनिया पाउडर, ये सभी अच्छे से मसाले हमारे अच्छे से भून तो मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर लेती हूँ साथ में। टमाटर को भी अच्छे से हमें भूनना है। इसमें मैं अब थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ, ताकि हमारी थोड़ी सी ग्रेवी अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। देख सकते हैं आप कितना अच्छा सब हो गया मसाला। इसमें मैं मटर यूज़ कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे मटर फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको मटर को भी अच्छे से फ्राई करूँगी और अच्छे से इसको ढककर पकाऊंगी, ताकि हमारे अच्छे से पक जाए। इसे अब लगभग 1-2 मिनट तक पकाना है अच्छे से। हमारी मटर अब हो गए होंगे, आप देख सकते हैं। इसमें मैं अब साथ साथ नमक भी ऐड कर रही हूँ। नमक बाद में ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो पहले भी ऐड कर सकते हैं इसमें। हमें अच्छे से इसको मिलाना है। आप देख सकते हैं हमारा। तब मैं इसमें आलू भी ऐड कर रही हूँ साथ साथ में। आलू को अच्छे से थोड़ा सा मैश कर ले आप। आलू कई हद तक हमारी ग्रेवी बनाने में मदद करेंगे। इसे मैं अब अच्छे से मैश कर लिया है, तो मैं इसको भी थोड़ी देर ढक देती हूँ, ताकि 2-3 मिनट हमारे ये जो मसाला अच्छा सा पक जाए। आप देख सकते हैं अब ये हमारा मसाला थोड़ा सा अच्छे से पक गया है।
मसाले में अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। मैं यहाँ पे पानी 1 कप ले रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा और यूज़ कर सकते हो अपनी ग्रेवी के अनुसार कि आपको कितना पानी चाहिए। अब मैं इसको और थोड़ा सा ढककर पकाऊंगी 3-4 मिनट, ताकि अच्छे से हमारी सब्जी रेडी हो जाए। तो ये हमारा सब्जी अब देख सकते हैं हम, हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनकर तैयार है। अब मैं इसमें धनिया ऐड कर लेती हूँ जो मैंने पहले से काट के रखा था। आप चाहे तो इसे पूड़ी, राइस किसी के साथ भी खा सकते हो आराम से। तो मैंने ये बर्तन में सब्जी को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनी है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।